गोरखपुर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान की छात्रा प्रियंका भारती की खुदकुशी का मामला हत्या के रूप में तब्दील हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर छात्रा को जिंदा रहते ही गला दबाकर हत्या की गई है, लेकिन हत्या किसने और क्यों की अभी भी यह रहस्य बना हुआ है। फिलहाल छात्रा प्रियंका की मौत ने सियासत को गर्म कर दिया है। रविवार को नगर विधायक डॉ. राधामोहन दास भी छात्रा के शिवपुर सहबाजगंज स्थित आवास पर पहुंचे और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की, जिससे पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करते हुए गला दबाकर मौत की पुष्टि की। इस दौरान लोगों ने हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मृतका के पिता विनोद कुमार ने गृह विज्ञान विभाग की अध्यक्ष सहित अन्य उनके अज्ञात सहयोगी लोगों पर कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि गुलहरिया थाना क्षेत्र के शिवपुर सहबाजगंज पोखरा टोला निवासी विनोद कुमार की 21 वर्षीय पुत्री प्रियंका गोरखपुर विश्वविद्यालय में बीएससी गृह विज्ञान तृतीय वर्ष की छात्रा थी। शनिवार सुबह 9 बजे से दीक्षा भवन में प्रियंका की परीक्षा थी। सुबह 10:30 बजे परीक्षा देकर वह कक्षा से बाहर निकली। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अंतिम बार उसे विभाग के शौचालय की ओर जाते देखा गया। दोपहर करीब 12 बजे गृह विज्ञान विभाग के शौचालय की तरफ गई कुछ छात्राओं ने स्टोर रूम के पास गैलरी में फंदे से लटकता छात्रा का शव देखकर शोर मचाया, जिस पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। रविवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अब इसे हत्या मानकर जांच में जुट गई है।